अपने बच्चे के छीन जाने का दुख एक माँ से अधिक और किसी को नहीं होता। इस दुख को ये क्या समझेंगे? अब मेरा क्या होगा महाराज? न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। क्या ये मेरा अपराध है? मैंने केवल उस बच्चे की जान बचाने में अपना बच्चा खो दिया। अपने बच्चे के छीन जाने का दुख एक माँ से अधिक और किसी को नहीं होता। हम सदैव आपके निर्णय के प्रशंसक रहे हैं। हमारा कभी ये अभिप्राय नहीं रहा है कि हम आपके आदेशों की अवहेलना करें। यदि संतति उत्पन्न होती तो उसे भी आप अपनी तरह स्वार्थी बनाती। आप में ना एक पत्नी की छवि है और ना ही एक माँ की। वीरांगना थी, वीरांगना रहोगी। महारानी आपसे अत्यंत महारानी महारानी कहाँ है? महारानी कहाँ है? क्षमा कीजिएगा महाराज, महारानी साहब संभवतः किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए महल से बाहर गई हैं। हम सदैव आपके आने वाले खुशियों भरे जीवन की कामना करेंगे महाराज। बाबा, क्या महारानी आपको मिलकर गई हैं? नहीं तो। इसका अर्थ वो अपने कक्ष में नहीं है। आप कहां गई होंगी? शहीदों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते, उत्सव मनाया जाता है। हमारी मौत तुम्हारी जीत की तरफ पहला कदम है। एक ना एक दिन ये फिरंगी हमारी धरती मां को छोड़ने पर बेवश हो जाएंगे। और यदि हमारे मरने के बाद तुम झांसी की आत्मा को जगा सकती हो तो हमारा मरना सफल है। अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ए फिरंगी, रख दे इस राख को। हमने कहा ना रख दे इसे सम्मान के साथ। ये एक शहीद की राख है और इसे कोई फिरंगी हाथ नहीं लगा सकता। Na jayet hai miriyat, vakdachin, naayam bhutva, tavitha, bhanay bhoya, aju nityam, shastostram, purano, na hanente, hanyamane shiride. मैं शहीद समर सिंह को श्रद्धांजलि देने आया था। अनजाने में अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। महारानी साहिबा, इसे हम ही यहाँ लाए थे। ये हमारे खेत में आवा और बोले कि हमें शहीद समर सिंह की चिता के पास ले चलो, तो ले आए। Alex, who's this woman? And why did she raise the sword upon you? पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बातों से लग रहा था कि हम ब्रिटिशर्स से बहुत नफरत है। इसीलिए समर सिंह की चिता की आश को उठाते ही वो भड़क उठी। But who is she? I didn't ask. But whoever she is, she's got a lot of spunk. And there is something unique about her. ऐसी औरत से मेरा सामना पहली बार हुआ। Her eyes are fire in them. उसकी बोलती हुई आंखों का सामना करना डीलर का काम है। नरसिंह राव जी, आप रघुनाथ के साथ जाकर महारानी का शीघ्र पता लगाएं। जी महाराज। रघुनाथ, हमारे सैनिकों को झांसी के हर क्षेत्र में उन्हें ढूंढने के लिए भेजो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूं। बाबा, आप चिंता ना करें। रघुनाथ और नरसिंह राव जी महारानी को शीघ्र महल में वापस ले आएंगे। जो आज्ञा महाराज। बाबा, आप हमें एक बात बताइए, क्या महारानी ने कहीं जाने की चर्चा की थी आपसे? नहीं। महाराज, फोर्ट विलियम से मेजर एलिस आए हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहना। जो आज्ञा महाराज। फोर्ट विलियम से नया अधिकारी मिलने के लिए आया है। अवश्य बटालियन हटने पर कंपनी ने अपना शोक व्यक्त करने के लिए उसे भेजा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए बाबा। सावधान! माननीय गंगाधर राव नेवलकर दरबार में पधार रहे हैं। Your Majesty, I'm R.R.W. Ellis, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ झांसी। अवश्य फोर्ट विलियम से हमारे लिए संदेश लेकर आए होंगे। जी हाँ। हिमा मैजेस्टी, कंपनी ने आपके लिए अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। झांसी में तैनात ब्रिटिश बटालियन के वापस लौट जाने के बाद भी झांसी में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑनरेबल गंगाधर राव के थे, उन्हीं के है और उन्हीं के रहेंगे। योर मैजेस्टी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। जी योर मैजेस्टी, कोशिश कर लेता हूँ। थैंक यू मिस्टर एलिस। कांग्रेचुलेशंस योर मैजेस्टी। अब इजाजत दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का अविश्वसनीय निर्णय हिंदुस्तान की जिन जिन रियासतों में इनकी बटालियन तैनात हुई है, उस रियासत के राज्याधिकारिक राज उनसे बलपूर्वक छीन लिया गया है। संभवतः पहली बार अंग्रेजों ने शासन का अधिकार जब्त करने के पश्चात उसे वापस दिया है, और इसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को जाता है और वो है हमारी महारानी लक्ष्मी बाई। परंतु वो इस समय बाबा, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? हम जानते हैं महाराज, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। ऐसी क्या बात हो गई बाबा कि उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया? महाराज, उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया कि उनको पता चल गया था कि आप दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। आप आरती में मग्न थी, इसलिए व्यवधान डालना उचित नहीं समझा। क्या है महाराज? आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा हूं। आप महल छोड़कर वापस क्यों आ गई? अब हमारा वहां रह ही क्या गया है। आप वापस चलिए। यदि आप हमारे साथ वापस नहीं चली तो हम ये समझेंगे कि आपको हमारी खुशी से खुशी नहीं। आप हमारे साथ चलिए और हमारी प्रसन्नता यानी हमारे समारोह में सम्मिलित होइए। आप तो सबकी खुशियों के लिए सदैव तत्पर रहती थी, परंतु जब हमारी बारी आई तो आप महल छोड़कर चली गई। इसका अर्थ यह है कि आपको हमारी चिंता नहीं है। ये आप हमारे साथ अन्याय कर रही हैं। क्या आप दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे? जीवन के हर निर्णय में आप सदैव हमारे साथ थीं, और इस बार आप स्वयं को कैसे अलग कर सकती हैं? आपके सम्मिलित होने से हमारी खुशियां बढ़ेंगी महारानी। और इस संबंध में आपकी स्वीकृति भी चाहता हूं। आपको हमारी शपथ। आप हमारे साथ चल रही हैं। महाराज, परंतु 24 घंटे के बाद। इस दीपक को 24 घंटे तक जलते रहना है, उसके बाद ही हम आपके साथ महल लौट पाएंगे। क्या सोच रही हैं आप? कैसी लगी आपको दुल्हन? आपने अभी तक स्वीकृति नहीं दी।